भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर धर्म, जाति, रंग, विचार जैसे अनेकों स्तर पर आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। यही खास बात भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा, खान पान और मान्यताएं एक दूसरे से अलग हैं। इसी क्रम में हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती, बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर पर आकर रहता है। यह प्रथा मेघालय के खासी जनजाति में विद्यमान है। यह एक मृत सत्तात्मक समाज है। इस जनजाति में वंशीय परंपरा माता के नाम पर चलती है। इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति का पहला अधिकार महिलाओं का होता है। लड़का और लड़की को विवाह हेतु अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी दी जाती है। खासी समुदाय में किसी भी प्रकार के दहेज की व्यवस्था नहीं है, जो कि एक खास बात है। इस समुदाय की महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वक्त अपनी शादी को तोड़ सकती हैं। परिवार की सबसे छोटी बेटी पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है, वही घर की संपत्ति की मालकिन होती है। खासी लोगों की संख्या तकरीबन 9 लाख के करीब है। इनकी ज़्यादातर आबादी मेघालय में रहती है। इनकी आबादी का कुछ हिस्सा असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में रहता है। यह समुदाय झूम खेती करके अपनी या आजीविका चलाता है। संगीत के साथ इसका एक गहरा जुड़ाव है। यह विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, बांसुरी, ड्रम आदि को गाते बजाते हैं। ये लोग पहले म्यांमार में रहते थे, इसके बाद इस जनजाति में वहाँ से आप्रवास किया और भारत के पूर्वी असम में आकर रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इनकी आबादी मेघालय में आकर बसने लगी। इस जनजाति की भाषा खासी है। खासी जनजाति के अलावा मेघालय की अन्य दो जनजातियाँ गारो और जयंतिया में भी रहती हैं। प्रथा है इन दोनों जनजातियों में यही व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ पर भी शादी के बाद दूल्हा अपनी सासू माँ के घर पर जाकर रहता है। अमूमन भारत में यह देखा जाता है कि लड़का होने पर ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, वहीं खासी जनजाति में लड़की होने पर खुशी मनाई जाती है। दोस्तों, जानकारी कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ।